मजाक की है। ये सब चीजों पे ना मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ओके अच्छे जब हत्थू होगा तब ये जो मुझे जल्दी से उसके पास जाना पड़ेगा जल्दी। मैं बिंदी कर देती हूँ। हाँ जिसे स्वामी जी कहे हैं वैसे करूँ। हाँ वैसे ही करती हूँ। हाँ छोटी तुम इसको रखे रहना। हाँ ये डर लगी तो हम लोग घर सब चलो। ये ठीक हो गया अब जाओ तुम इसको रखाओ। हाँ त्रिशूल का घोड़ा बन गया ना ठीक है। हाँ अब चलो ठीक है अब चलो चलो हट जाते हैं। हाँ हट जाते हैं चलो अब लाइट बंद कर देती हूँ। हाँ चलो ये क्या हो गया ये क्या हो गया मतलब यहाँ भूत भी है बहुत डरावना बहुत ताकतवर है अब हमें तो चाहिए होगा। हाँ छोटी अब चलो चलते हैं जल्दी से बाबू के साथ क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ। हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। बाबा जी वो आने जो उपाय दिया था जो बोला था वो ना नारियल गोले से बाहर चला गया है। नारियल गोले से बाहर चला गया। हाँ घूम के। हाँ ओहो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यानी कि अब आपके घर में एक बुरी आत्मा की शक्ति है यानी कि उस आपके घर में बहुत ही बुरी भूत है बहुत ही भयानक भूत है। अब इसके लिए एक ही उपाय है मान लीजिए अगर आपके सामने वो कभी भी आती तो जो मैंने ये लॉकेट दिया था ना इसे जय करके तुरंत उसके सामने दिखाइए। और कुछ हो गया तो हम लोग को मैं अगर कुछ भी हो जाता है अगर आप दोनों में से कोई एक मान लीजिए ऊपर चला जाता है होना नहीं चाहिए ऐसा लेकिन अगर कुछ भी चला जाता है तो आप मुझे कर दीजिएगा या फिर आप जी नमस्ते। लग रहा है कोई पीछे बोल रहा है जो देखते हैं मुड़ के ठीक है चलो। हाँ?
डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर तो यहाँ दिख नहीं रहे, क्या पता नहीं। अब टेंटरी को तो बताना ही होगा कि ये मर गई है, कुछ नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? इसको देखिए, इसके बहुत ज्यादा खून था, मैंने अभी पोछा तो सोचा कब हुआ है। खून था अभी तुमने तुमने पोछा? हाँ। ये सब कैसे हो, पहले ये उपाय तुम बताओ। मैं नहा रही थी और ये जो आपने मार दिया था वो मुझे छूट गया था। ये छूट गया था तुमसे गलती से नहाते टाइम? हाँ। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और इसको मैं अंदर घुस के मुझे पता नहीं था, बस मैंने उसको गलती से मार दी, मुझे भी नहीं पता ना। जब मैंने देखा तो वो बहुत और ज्यादा इसके अंदर मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये नहीं है, होता है गलती सबसे। कोई उपाय नहीं है, ये मर चुकी। आप एक काम करिए, अब आपको मैं एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ। मंत्र मैंने जो आपको दिया था, इसको आपको अच्छे से उठेगा और अब की बारी से दोनों को सटाती हूँ। और अगर ये भी मिली तो एक लोटा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक सेकंड में आया, फिर तुम अच्छे से कर लिया। ये है आत्माओं को कैद करने वाली चीज, ठीक है। अगर जहाँ तक तुमको अगर आत्मा दिखती है, तुरंत इसको कैद कर और वो आत्मा इधर आएगी और तुम इसको अच्छे नदी यानी जल पे फेंक। हाँ, ये भी याद रहना है कि इसको अंदर ही रखना है। ये मत कीजिए, इसको मैं अशुद्ध करने जा रहा हूँ। ठीक है। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। और वो जो आपने मंत्र दिया था मुझे, वो भूत ने तोड़ दिया है, अब वो खो चुका है। क्या वो पूरा तोड़ चुका है जो मंत्र मैंने दिया था वो? ओह नो, ये तो बहुत बड़ा वाला अनर्थ हो गया। अब हाँ। इसके लिए एक ही उपाय है कि हमें और तुम्हें एक साथ जाना पड़ेगा, एक साथ उस भूत को खत्म करना पड़ेगा। बस यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो चलो चलते हैं। वो जो आत्मा वाली लोटा नहीं था, उसी से उसको हम कैद करेंगे। चलो ठीक है, चलो। नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं होगा। ये शीशा है जो कि उस भूत को खत्म कर सकती है। वो उस आत्मा को मैं कैद करके इस शीशे के अंदर कैद कर दूंगा। इस लोटा को मैं यहाँ रखता हूँ और ये जो लॉकेट है इसको मैं इस टूटे लोटे को ऊपर मैं रखूंगा ताकि वो जो आत्मा है वो आजाद हो जाए। आत्मा 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 आजाद हो जा, आत्मा आजाद हो जा, आत्मा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा आजाद हो, आत्मा आजाद, आत्मा आ गई, आत्मा आत्मा आ जा, इस कैद में, इस लोटे के अंदर आत्माओं की कैद, इसमें कैद हो जा। जल्दी आ जा, आ जाने तो जाल में फंस कर दूंगा। जल्दी आ जा। अब वो जो आत्मा है इस लोटे के अंदर है। अब तुम कुछ भी हो जाए, इस आत्मा के अंदर से कुछ होगा नहीं, समझ गई? अगर खुल भी जाता है तो तुम इसे इसे फिर इसमें अब आत्मा तुमको फिर से आजाद होना है। आत्मा फिर से वो गायब हो गई है। क्या हो गया तुम्हें?
भूत को मारना पड़ेगा। चलो मैं बाबा जी की हर बातों को ध्यान से पढ़ लेती हूँ। मैंने तुम्हें एक लोटा दिया था, उसे ध्यान से सोचो और उसे आत्मा को उस कैद में रख लो। मार मेरे को, मैं नहीं मार सकूंगा, मैं नहीं मरूंगी। वीडियो कॉल